मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार देखा, जब भी मैंने एग्जाम दिया ना, एग्जाम के बीच में कोई ना कोई क्रिकेट का मैच जरूर होता है, और मैं हूं क्रिकेट के लिए पागल, तो मेरे से तो कभी कभार रहा नहीं जाता। एक तो हमारे ना इंजीनियरिंग एग्जाम में पक्का होता था, इंजीनियरिंग एग्जाम और स्कूल के एग्जाम में भी। स्कूल तक तो चलो ठीक था, तो पापा थे तो जूते मारते थे, फटाफट टीवी केबल ही कटवा देते थे, मम्मी और मारती थी। लेकिन कॉलेज के एग्जाम में ऐसा होता था कि ऐसे ऐसे जगह पे मैंने मैचेस देखे, मतलब घर पे एक छोटा सा टीवी है, किराए पे रहते थे, छोटा सा टीवी था ब्लैक एंड व्हाइट, वो चलता था ऐसे थपेड़े मारने पर, ठप ठप ठप, है ना, तब तो चलता था। और वो उतने टीवी में छोटी सी स्क्रीन है, उस पर भी देखने के लिए चार लोग और आते थे साथ में, ओहो आज इंडिया मैच है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। अच्छा, तो ये बहुत, और जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से तो छोड़ा ही नहीं है, सच बता रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने लास्ट ईयर आईपीएल देखना छोड़ दिया, क्योंकि आईपीएल के कुछ स्पॉन्सर ऐसे हो गए ना जिससे आईपीएल देखना मैंने छोड़ दिया। तो फाइनली वो आईपीएल कितना देखेगा कोई, बट आईपीएल शुरू हो रहा है और वो भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। सो यू हैव टू यू नो मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस आईपीएल क्रिकेट। वो रोहित शर्मा वाला बढ़िया ऐड है, वो आता है रोहित शर्मा, ये काम मैं कर लूंगा, तुम ड्रीम इलेवन पे टीम, तब तक आप ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ, समझ रहे हो। तो कोई फायदा नहीं है, एडिक्शन है, कोई मतलब नहीं है, लास्ट में उसकी वार्निंग भी सुना करो तुम लोग, ठीक है, दिस इज एडिक्टिव। फाइनली क्रिकेट का, ठीक है, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, यूट्यूब का, सबका बदला लेगा तेरा ये फैजल। पास होना है, अच्छे नंबर लाने, तो प्लीज आप थोड़ा सा सोशल मीडिया से डिस्टेंस बना के रखो।